बच्चों को देखा, यहाँ पे लेडीजों को देखा, और अपनी लाइफ में इतना बड़ा केस मैंने पहली बार देखा। 12 साल में मैंने पहली बार इतनी डेड बॉडियां देखी हैं। लेकिन रात के 12 बजे तक बिल्कुल पब्लिक ही नहीं गई, बहुत ज्यादा पब्लिक थी, बहुत ज्यादा। हमने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी लाशें देखी। देखिए हाथरस में जो भगदड़ मची और जो हादसा हुआ, तो कल शाम वहां से जो डेड बॉडी थी या जो घायल लोग थे उनको अलग अलग अस्पतालों में भी शिफ्ट किया गया। अलीगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है वहां भी बॉडीज आई, घायल आए। यहाँ जो लोग सुरक्षा का काम करते हैं अस्पताल प्रांगण में, गाड़ियों का आना जाना, बाकी चीजें देखते हैं, क्या नाम है आपका? इमरान खान। कल का दिन कैसा था आपके पास? कल का दिन बहुत बुरा गया, क्योंकि हमने मासूम मासूम बच्चों को देखा, यहाँ पे लेडीजों को देखा, और अपनी लाइफ में इतना बड़ा केस मैंने पहली बार देखा। अच्छा। जब तक मुझे 12 साल हो गए यहाँ ड्यूटी करते हुए, 12 साल में मैंने पहली बार इतनी डेड बॉडियां देखी हैं। और सारी कितने बजे से आने लगे थे आप यहाँ लोग? हमारे यहाँ पहला केस जो आया है 7 बजे के समथिंग आया है, बारिश के अंदर ही। अच्छा। जब बारिश स्टार्ट हो गई थी पहले 3 केस आए थे नॉर्मली, उसके बाद डेड बॉडी के केस आए 10-12 एक साथ आने लगे, जिसको हमने अंदर भी ट्रांसफर करा दिया, बाकी उधर हो जाए। तो मतलब ये कितने लोग आप लोग थे, समझ में आया क्या हुआ अचानक से? क्या हुआ? नहीं, अचानक से हमको तो ये खबर मिली कि रोड खाली कराना है और यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं करनी है, गाड़ियों को पर्चन नहीं, सारे अधिकारी आना चालू हो गए थे, सीओ साहब, एसओ साहब, सारे लोग आ गए थे। यहाँ पे हमको ये कह दिया गया कि भीड़ भाड़ नहीं करनी है, ना चोर चराबा होना है। तो हमने अपनी तरफ से पूरा काम करा, रोड खाली करवा दिया और पब्लिक को एक एक करके किनारे पे कर दिया, इमरजेंसी खाली करा दी। तो ये जो स्थिति थी, इतने सारे लोग आ रहे थे, आप खुद कह रहे हैं कि इतनी बड़ी उम्र होगी पहली बार आपने ये देखा? पहली बार देखा मैंने अपने में। लगता है कि बहुत मुश्किल था, आसानी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सुबह जब 4 बजे ड्यूटी आए तो 5 बजे हमको खबर मिल गई, लेकिन रात के 12 बजे तक बिल्कुल पब्लिक ही नहीं गई, बहुत ज्यादा पब्लिक थी, बहुत ज्यादा। हमने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी लाशें देखी हमने, लेडीज और बच्चों की। मैंने तो अपने समथिंग 38-37 साल में पहली बार देखा इतना बड़ा केस, आज तक नहीं देखा इतना बड़ा केस। आप कुछ कैमरा ऑन करने से पहले बता रहे थे कि आपको खाना खाने का भी समय नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। हम लोग खाना लेके आए थे, हम 7-8 लड़की जो खाना खाते हैं, दो दो करके खाना खा लेते हैं, लेकिन कल दो दो लड़के हम खाना खाते हैं, बाकी रोड संभालते हैं, हमारा काम ही पूरा रोड को कवर करना। लेकिन कल खाने नहीं खाया गया, दिल ही नहीं चाहा बिल्कुल, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैंने पहली बार देखा बच्चों को, लेडीजों को देखते हुए। हम लोग जाते खाना लाए थे, हम 8 लोगों ने बस चाय पी थी, उसके बाद खाना हम वापस ले गए, किसी ने भी खाना नहीं खाया हमारे। तो ये मुश्किल है। और भी आपके साथी अगर बात कर पाए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप भी थे कल रात में ड्यूटी पे? नहीं थे, आप नहीं थे, आप थे? मैं छुट्टी पे। आप भी छुट्टी पे थे? तो ये देखिए जो खान साहब बता रहे थे वही स्थिति है। इस अस्पताल पे बड़ी जिम्मेदारी आई कल शाम में, अलीगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे, चूंकि हथरस से ज्यादा दूरी नहीं है और वहां का जो अस्पताल था वो इसको संभालने के लिए बहुत इक्विप नहीं था, तो इस अस्पताल पे पूरा जोर लगा। हम यहाँ आए हैं, जैसे इनसे हमने बातचीत की, कोशिश करेंगे कि इस अस्पताल में जिधर मॉर्चरी है वहां चले, कुछ परिवार के लोगों से भी बातचीत करें। बातचीत करना भी कई बार मुश्किल होता है, क्या ही पूछेंगे आप, मतलब घटना हो गई है, जो लोग यहाँ हैं वो अलग ही परेशानी में है, लेकिन कोशिश करेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना जो हुई है और जिन वजहों से हुई है, एक 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 व्यक्ति के पीछे पागल होकर के जैसे पूरी भीड़ चली गई थी और उसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई। आपका क्या नाम है? मेरा शफी मोहम्मद नाम है। कहाँ के? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं जहाँ ये घटना हुई है उसी के पास का रहने वाला, पिछौती गांव है मेरा सर। अच्छा, तो वो जो गांव है कौन सा गांव है? वो मुगलगढ़ी के पास। मुगलगढ़ी के पास? हाँ। वहाँ से कितनी दूर आपका गांव? मेरा गांव करीब 10-12 किलोमीटर होगा वहाँ से सर। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या सुना, कुछ सुना था क्या? सुना को बाबा का सत्संग था, उसमें लोग आए और वहाँ भगदड़ मची और कई बहुत सारी जाने चली गई, सब बहुत अशुभ हुआ है ये। सब लोग यही कह रहे हैं। आइए चलते हैं आगे और कुछ परिवार के लोगों से और जो अपनों को खो चुके हैं, मुश्किल वक्त है उनके लिए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक पत्रकार के लिए बड़ा मुश्किल समय होता है ये, कि उनसे आप पूछें, उनसे बातचीत करें, कोशिश करेंगे जितनी भी हमारे अंदर संवेदना है उसको बटोर करके उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी।